अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले सिंगर कैलाश खेर पर एक कार्यक्रम के दौरान हमला किए जाने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में कैलाश खेर कर्नाटक में हुए हम्पी उत्सव 2022 में लाइव कॉन्सर्ट के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। हालांकि कॉन्सर्ट के दौरान दो अनजान शख्स ने सिंगर पर बोतलें फेंकी। सिंगर पर अचानक हुए इस हमले के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन्होंने आरोपियों को मौके पर धर दबोचा। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट्स की माने तो सिंगर कैलाश खेर ने हम्पी उत्सव 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान सिर्फ हिंदी गाने ही गाए थे, उन्होंने एक भी कन्नड़ गाना नहीं गाया, जिससे भीड़ में खड़े कई लोग नाराज हुए और इसी दौरान वहां के दो लोकल लोगों प्रदीप और सूर्य नाम के शख्स ने सिंगर पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बयान दर्ज करवाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कैलाश खेर और उनकी टीम की तरफ से किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया।